नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के काव्य खंड के प्रथम अध्याय सूरदास के व्याख्या खंड पढ़ेंगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने सूरदास के पहले पद की व्याख्या देखी थी। आज हम सूरदास के दूसरे पद्य की व्याख्या देखेंगे। यह पद्य सूरदास के सूर सागर महाकाव्य के भ्रमर गीत से लिया गया है। यह पद्य सूरदास के सूर सागर महाकाव्य के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत में उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। वहां से अपने संदेशवाहक अपने परम मित्र उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। उद्धव जी ब्रज आते हैं और गोपियों से मिलते हैं। गोपियां और उद्धव आपस में वार्तालाप करते हैं। गोपियां बहुत प्रसन्न होती है कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर उनका संदेशवाहक आता है आया है तो गोपियां बहुत खुशी के मारे उनसे वार्तालाप करती हैं। गोपियां और उद्धव आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय एक काला भंवरा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी काले थे और वो भंवरा भी काला था, तो वो उड़ता हुआ उधर से मंडराता हुआ आता है। तो गोपियां उस भंवरे को देखकर भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक बनाकर भगवान श्री कृष्ण पर कपट का आरोप लगाते हुए व्यंग्य करते हैं। इस पद्यांश में हम उसी का वर्णन पढ़ेंगे। तो गोपियां जो है काले भंवरे को भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक बताते हुए उस पर व्यंग्य का आरोप लगाते हुए भंवरे को संबोधित करते हुए कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर यानी भौरा, मधुकर यानी भौरा और श्याम यानी हम भगवान श्री कृष्ण हमारी यानी गोपियां कह रही है चोर यानी चोर, कि गोपियां जो है भंवरे को भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक बताते हुए कह रही है कि हे भंवरे, भगवान श्री कृष्ण हमारे चोर है, भगवान श्री कृष्ण ने हमारी चोरी की है। किस प्रकार की है? कि मन हर लियो तनक चितवन में चपल नैन की ओ, मन हर लियो यानी हर लेना यानी हर कर लेना या चुरा लेना, कि मन हर लियो तनक यानी थोड़ी सी, चितवन यानी दृष्टि, चपल यानी चंचल की और नैन की कोर यानी नेत्रों के कोने से, कि हे भंवरे, भगवान श्री कृष्ण हमारे चोर है, उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से, चपल नैन की कोर यानी चंचल नेत्रों के कोनों से तनक चितवने थोड़ी सी दृष्टि डाल कर हरिलियो हमारे मन का हरण कर लिया है, कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमारे चोर हैं और उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से थोड़ी सी दृष्टि डालकर हमारे मन का हरण कर लिया है, हमारे मन को चुरा लिया है। आगे पकड़े उनके हृदय और अंतर प्रेम प्रीति की जो पकड़े उनके पकड़ा हुआ था, पकड़ रखा था हृदय हृदय के अंदर प्रेम प्रीति की जोर, प्रेम और अनुराग के जोर यानी बल पर, जोर यानी बल पर कि पकड़े उठे हृदय और अंदर प्रेम प्रीति की जोर, कि यद्यपि हमने हमारे हृदय के अंदर
हमें छोड़कर चले गए। गोपियां कह रही है कि यद्यपि हमने पूरी रात्रि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में जागते हुए बिताई है, हम पूरी रात उनके प्रेम के कारण सो नहीं पाए और जब सवेरा हुआ तो हम चौंक कर जाग पड़ते हैं। उसी समय हमारी भेंट भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए एक भंवरे रूपी दूत से होती है। गोपियां कह रही है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद हम पूरी रात्रि सो नहीं पाए और जब सवेरा होने पर निशिनिधि रात्रि बीतने के बाद हम चौंक कर जब सवेरा होने पर जाग पड़ते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए एक दूत से हमारी भेंट हो जाती है और उस दूत ने हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को भूलकर योग का संदेश देकर बहुत दुखी किया है। भगवान श्री कृष्ण से मथुरा से आए हुए दूत ने हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को भूलकर योग का संदेश देकर हमारे हृदय को बहुत ठेस पहुंचाई है। गोपियां कह रही हैं कि नागरिया